YouTube ने निकाल दी लोगों के लिए ऐसी लॉटरी जो भी सुनता खुशी से झूम उठता। अब मात्र 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे वॉच टाइम करने की जरूरत और चैनल कमाई के लिए तैयार। शॉर्ट्स के लिए भी नहीं चाहिए 10 मिलियन व्यूज, बस 3 मिलियन से चलेगा काम। पैसा इतना आएगा सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या करना होगा, कब से ये शुरू होने जा रहा है और किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, सब देखिए। भाई साहब कमाल हो गया, धमाल हो गया। इतनी बड़ी खुशखबरी जिसे सुनते ही मंदिर में झंडा घंटा या परसा चढ़ाओगे, इतिहास में अब तक ऐसा नहीं देखने को मिला होगा। क्योंकि YouTube ने ऐसी लॉटरी लॉन्च कर दी है कि लोग जश्न मना रहे हैं। ये खबर सुनोगे तो आप भी जश्न मनाने लगोगे और कहीं खुशी में भंडारा ना करा दो। दरअसल YouTube पर अब ना तो आपको 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत है और ना ही 4000 घंटे वॉच टाइम की। अब ये टारगेट पूरा किए बिना ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। पूरी जानकारी के लिए बस मेरे साथ 3 मिनट तक जुड़े रहो। ये बात सभी जानते हैं कि YouTube से पैसा कमाने के लिए चैनल पर अच्छे व्यूज और सब्सक्राइबर होने चाहिए। चैनल तभी मोनेटाइज होता है जब इसमें कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया हो। इसके बाद जब व्यक्ति YouTube के T&C को एक्सपोर्ट करता है तो इसके बाद उसकी कमाई शुरू हो जाती है। लेकिन अब कंपनी अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बदलाव कर रही है और अब लोगों को 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम की कोई भी जरूरत नहीं है। YouTube अपने YPP यानी YouTube पार्टनर प्रोग्राम के तहत मोनेटाइजेशन पॉलिसी में लोगों को कुछ ढील दे रहा है। अब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए व्यक्ति को सिर्फ 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे के वॉच टाइम की आवश्यकता होगी। साथ ही पिछले 90 दिनों में चैनल पर 3 पब्लिक की हुई वीडियो होनी चाहिए, बस आपका चैनल कमाई के लिए तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, अभी तक शॉर्ट से कमाई के लिए अकाउंट पर कम से कम 10 मिलियन व्यूज की जरूरत होती थी जो पिछले 90 दिनों में आए हुए हों। लेकिन अब कंपनी इसमें भी बदलाव कर रही है। अब यूजर्स को केवल 3 मिलियन की जरूरत होगी जिसके बाद वे शॉर्ट से कमाई कर पाएंगे। जब कोई यूजर ये क्राइटेरिया पास कर लेगा तो उसका अकाउंट YPP के तहत मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो जाएगा और व्यक्ति कंपनी के थैंक्स सुपर चैट, सुपर स्टिकर और सब्सक्रिप्शन टूल्स का इस्तेमाल कर पाएगा। ध्यान दें, YPP के तहत नई पॉलिसी अभी केवल US, UK, कनाडा, ताइवान और साउथ कोरिया में कंपनी ने शुरू की है। आने वाले दिनों में ये अन्य देशों में भी लागू होगी। इसके अलावा कंपनी US में और अधिक क्रिएटर्स के लिए शॉपिंग एफिलिएट पायलट प्रोग्राम को एक्सपेंड कर रही है। ऐसे यूजर्स जो पहले से YPP में हैं और उनके 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, वे वीडियो और शॉर्ट्स में प्रोजेक्ट्स को टैग कर कमीशन हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, YSK न्यूज।